अपने आवाज में रील्स वीडियो कैसे बनाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हो अपने आवाज में रील्स वीडियो बनाए म्यूजिक के साथ, तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अपने आवाज में आप लोग रील्स वीडियो कैसे बनाते हो और म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में यही प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अपने आवाज में रील्स वीडियो बनाकर आप लोग जब अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर आपका इंस्टा आईडी वहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप लोग अपने साउंड में आप लोग रील्स वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। मैं यहाँ से प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन किया हूँ तो आपको मन में ये विचार आया हो कि मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यहाँ पर मैं नाम बताऊँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको सबसे पहले ऊपर से इंस्टा आईडी को अपडेट कर लेना है, इंस्टा आईडी को अपडेट कर लेना है। नहीं तो आप लोग इंस्टा आईडी को अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा और आपके आवाज़ में यहाँ पर रील्स वीडियो नहीं बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में इंस्टा आईडी को पहले ही अपडेट कर लिया हूँ। तो यहाँ से अब करने के सबसे पहले यहाँ से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर न्यू इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कहाँ पर करना है, सबसे पहले अपना प्रोफाइल ओपन करना है, खुद का प्रोफाइल। यहाँ से अपना प्रोफाइल ओपन मैं कर लेता हूँ। अब आपका प्रोफाइल जैसे ही ओपन होता है तो आपको यहाँ पर ऊपर में एक थ्री डॉट दिख रहा है। इस थ्री डॉट के बगल में एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर रील्स, पोस्ट, स्टोरी, स्टोरी हाइड, लाइव यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर रील्स पर क्लिक करना है। अब आप लोग रील्स पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जितने भी यहाँ पर मतलब वीडियो रहेगा वो सब आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर ऊपर में कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर कैमरा के ऑप्शन पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो मैं यहाँ पर अपना आगे वाला कैमरा लेकर फ्रंट कैमरा में यहाँ पर अपना ले लेता हूँ। अभी बैक कैमरा है तो मैं फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो तो मैं फिल्टर यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर रील्स कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रील्स पर। आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये मतलब आप लोग यहाँ पर शायरी उरी कुछ भी अपना बोल सकते हो, जो आपको गाना गाना है वो आप लोग यहाँ पर गाना गा सकते हो। गाना गाने के बाद आपको इसको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब स्टॉप करने के बाद मेन प्रोसेस यही है कि यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऊपर में एक म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, तो इस म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस म्यूजिक के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करने में अपने शायरी के मतलब आपको जैसे आप लोग कोई फनी शायरी बोल रहे हैं या फनी सॉन्ग आप लोग मतलब कोई गाए या कॉमेडी आपको मतलब कुछ भी है मतलब सही सैड सॉन्ग है तो आपको यहाँ पर सैड म्यूजिक सर्च कर लेना है, SAD सैड म्यूजिक। अब आप लोग जैसे ही सैड म्यूजिक आप लोग सर्च कीजिएगा तो मेरा आप लोग देख सकते हैं सैड म्यूजिक आ चुका है। तो जैसे कि मेरे को ये म्यूजिक लेना है, अब जैसे कि मैं ये म्यूजिक ले लिया, अब लेने के बाद मान लीजिए मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, शूट करते मैं कोई एक शायरी या कोई गाना गा रहा हूँ तब इसको क्या करना है, म्यूजिक और सॉन्ग दोनों यहाँ पर मेरा साउंड और म्यूजिक दोनों एक साथ ही प्ले है, बट इसको अब एडिट करना है मतलब दोनों को मर्ज करना है मतलब दोनों को एक साथ मिलाना है कि मतलब अगला बंदा जो मतलब मेरा साउंड सुने उसको काफ़ी अच्छा लगे और रील्स पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ से इसको मिलाने मर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस म्यूजिक ऑप्शन पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉन्टेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस कॉन्टेक्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैमरा ऑडियो को मैं बढ़ा देता हूँ। अब कैमरा ऑडियो का आप लोग जैसे ही बढ़ाइएगा तो आप लोग जो सॉन्ग लेंगे उस सॉन्ग का आप लोग यहाँ पर नाम दिख रहा है दूसरे नाम में, तो मैं यहाँ से इस सॉन्ग को आप लोग कोई भी म्यूजिक या कोई भी जब आप लोग सॉन्ग लेते हो तो उसका आवाज़ थोड़ा मतलब फेस उसका जो मतलब अप में रखना, उसको आवाज़ को मतलब बढ़ा के रखना, इससे जो आपका शायरी है मतलब काफ़ी मतलब अच्छा मतलब सुनाई देगा। अब इसको करने के बाद जब आप लोग इसको एडिट कीजिएगा तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप लोग नीचे यहाँ पर डन पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से डन पर क्लिक कर देता हूँ। अब डन पर जैसे ही क्लिक
करता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो आवाज़ है मर्ज हो चुका है, मतलब एडिट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ से ऊपर में जो टेक्स्ट तो लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल लिखने का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फनी वीडियो लिख लेता हूँ। फनी वीडियो लिखने के बाद आपको यहाँ पर टैग लगा देना है, नीचे हैशटैग मतलब तीन आपको एक हैशटैग लगा देना है यहाँ पर क्लिक करके। और लगाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग शेयर पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ये रील है, अगर आप लोग 10 या 5 अपने साउंड में जब रील अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टा आईडी है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों को सीखने के लिए मिल गया होगा कि कैसे अपने आवाज़ में रील्स वीडियो बनाएं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हेल्पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।